हेलो एस्पायरेंट्स, हम 16 जान के न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से जो न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है वो है ये 10। पहली न्यूज आइटम, व्हाई कांट एफएम स्टेशंस ब्रॉडकास्ट न्यूज, आस्क सुप्रीम कोर्ट। सो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पिटीशन लाया गया है जो 2013 में फाइल किया गया था। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL है, तो ये कॉमन कॉज इन्होंने फाइल किया था पेटिशन। तो इसमें जुडिशियरी को ये पूछा गया है कि प्रसार भारती का मोनोपोली क्यों है ऑन ऑल इंडिया रेडियो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग। सो हम देखते हैं, प्रसार भारती जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है उसके अंदर दो ऑर्गेनाइजेशन से इट्स एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर टू। तो मतलब ये है, एक तो ऑल इंडिया रेडियो है और दूरदर्शन। सो दूरदर्शन टीवी ब्रॉडकास्टिंग जो करते हैं और ऑल इंडिया रेडियो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग जो होता है वो रेडियो पे होता है, टीवी पे होता है और प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर्स में होता है। तो न्यूज़पेपर्स में भी PIB है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो, तो उस पे न्यूज आता है। तो दैट इज गवर्नमेंट पब्लिकेशन प्लस ऑल्सो प्राइवेट न्यूज न्यूज़पेपर्स है। तो न्यूज़पेपर्स भी न्यूज लाते हैं टीवी पे, दूरदर्शन पे भी न्यूज आता है, और जो प्राइवेट स्टेशन से टीवी चैनल से उस पे भी न्यूज आता है। पर जो रेडियो है तो सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो पे ही न्यूज ब्रॉडकास्ट हो सकता है। करंट अफेयर्स कंटेंट भी सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो पे आता है। तो यहाँ पे अलाउड नहीं है बाकी FM स्टेशंस को न्यूज करंट अफेयर्स कंटेंट ब्रॉडकास्ट करना। तो ये पेटिशन इसलिए फाइल किया गया था ये क्वेश्चन करते हुए कि ये मोनोपोली क्यों है। तो दिस गोस अगेंस्ट दी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जो 1995 में एक केस था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया था वो भी यही कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है आर्टिकल 19(1)(a), तो उसके अंदर इवन राइट टू इंफॉर्मेशन भी है। क्या बोलने का भी राइट है और पता करने का भी राइट है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड पार्ट ऑफ इट। तो राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर इवन ब्रॉडकास्टिंग जो होता है उस पे भी आपका राइट है। तो वो जो राइट है तो ये अपहोल्ड होना चाहिए। तो ऑल इंडिया रेडियो सिर्फ मोनोपोली करके जो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग करते हैं या जो रेडियो चैनल्स भी है उनको भी राइट है कि वो भी न्यूज ब्रॉडकास्ट करे, करंट अफेयर्स कंटेंट लाए। तो दे हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए ये वर्डिक्ट, ये पिटीशन यही क्या आज पूछ रहा है कि ये लाना चाहिए। तो इसीलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये केस उठाया है और उन्होंने अभी 4 वीक का टाइम दिया है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि आप आंसर कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए कि जो आपने 2008 से 2013 के बीच में काफी सारे रूल्स लाए हैं जिसकी वजह से न्यूज करंट अफेयर्स कंटेंट सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो पे ही ब्रॉडकास्ट हो सकता है, बाकी FM स्टेशंस में नहीं, तो ये क्यों है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो आस्किंग दैट। तो अब ये जो केस है इसके ऊपर सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट आएगी तो आए जब वो पता चलेगी तो वो और इम्पोर्टेंट होगा। तो ये फिर से न्यूज में आए गए। तो यही दिया हुआ है जैसे यहाँ पे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स राइट टू इंफॉर्मेशन ऑल्सो। सो पीपल ऑल्सो हैव अ राइट टू इंफॉर्मेशन, रेडियो स्टेशन ऑल्सो हैव अ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये जो फिलहाल ये जो केस था 1995 का, इसमें बेसिक इशू था अबाउट टेलीकास्टिंग राइट्स। तो क्रिकेट मैचेस जो होती उनकी टेलीकास्टिंग राइट्स क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने एक फॉरेन कंपनी को, फॉरेन एंटिटी को दिया था। तो इसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने क्वेश्चन उठाया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली इसमें वर्डिक्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को दिया क्योंकि उन्होंने कहा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर। पर वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सिर्फ सिटीजंस के लिए होते हैं, एंटिटीज इन इंडिया। अब ये फॉरेन एंटिटी जब पिक्चर में आती है तो इनको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे उनको वो एप्लीकेबल नहीं हुआ। तो उन्होंने उनको रिजेक्ट किया कि वहां पे गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन ला सकती है, रेगुलेशन ला सकती है, पर अगर इंडियन है तो जैसे रेडियो स्टेशन वगैरह जो इंडियन है तो उनके लिए एप्लीकेबल है। तो वही वर्डिक्ट को यूज करके पटिशन कह रहा है कि फेवर में जजमेंट होना चाहिए। तो अब देखेंगे आगे जब न्यूज आएगी। अगला न्यूज आइटम है राजनाथ रिव्यूज मणिपुर सिचुएशन। तो मणिपुर हमने न्यूज में काफी बार देखा है, जो जब डिमोनेटाइजेशन टाइम पे भी हमने देखा कि डिमोनेटाइजेशन स्टार्ट हुआ 8th इवनिंग, मतलब 9th से एप्लीकेबल हुआ डिमोनेटाइजेशन। पर मणिपुर में प्रॉब्लम 1 नवंबर से चल रहा था,
मॉनेटरी क्रंच जो था, जिसकी वजह से एसेंशियल कमोडिटीज भी थोड़े दिनों के लिए लोगों को दिक्कत जो आ रही थी, तो यहाँ पे मणिपुर में दिक्कतें 1 नवंबर से चल रही थी, क्योंकि वहां पे इकोनॉमिक ब्लॉकेड लाया गया था। मींस मणिपुर एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट रूट जो है, तो बाकी स्टेट से जो कमोडिटीज आती है वो यहाँ नहीं आ पा रही थी, उनके ऊपर रोक लगा दी गई थी, इकोनॉमिक ब्लॉकेट। तो वहां पे रोडवेज पे ब्लॉक करवा दिया गया था। ये है एक यूनाइटेड नागा काउंसिल, तो दीज आर सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही, जो NSCN है उसके कई कई फैक्शंस है, तो दे आर डिमांडिंग नागालैंड, लार्जर नागालैंड ऐसे इंडिपेंडेंट। तो ओरिजिनली तो उनका डिमांड था कि इंडिपेंडेंट कंट्री हो फॉर द नागास, तो इसीलिए उनको सेपरेटिस्ट भी कहा जाते हैं। पर जो भी है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन सम हैव अग्रीड टू, मतलब कि इंडियन इंडियन यूनिटी के अंदर ही, विद इन इंडिया एक सेपरेट यूनिटी हो उनको, वो भी थोड़े फ्रैक्शंस को, ये भी मंजूर है। तो ये सब है, तो यूनाइटेड नागा काउंसिल जो है ये नागास को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मणिपुर में भी नागास है। तो नागालैंड इज अ नेबर ऑफ मणिपुर, पर नागा पॉपुलेशन या मणिपुर में भी जो है उनको, उनके राइट्स ये रिप्रेजेंट करते हैं। और मणिपुर में रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट ने नए डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किए थे, 7 नए डिस्ट्रिक्ट अनाउंस हुए थे, तो ये नए डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन पे भी प्रोटेस्ट हो रहा था। तो मेजरली ये प्रोटेस्ट उसी लिए था कि क्योंकि ये जो नए डिस्ट्रिक्ट अगर आप बनाते हैं, तो अगर डिविजन, टेरिटोरियल डिविजन ऐसे हो कि नागा पॉपुलेशन जहाँ पे मेजोरिटी है तो वो बाइफकेट हो जाए, तो ये सब पॉलिटिकल एस्पेक्ट से भी जब डिविजन बनते हैं तो द माइनॉरिटी पॉपुलेशन है जनरली उनको इश्यूज आते ही है। तो ये डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन के ऊपर ही ये प्रोटेस्ट चल रहा था। स्टेट गवर्नमेंट जो है, कांग्रेस गवर्नमेंट है मणिपुर में अभी फिलहाल पावर में, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये स्टेट इलेक्शन के लिए जा रहा है, तो जो 5 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्शंस होगी अभी मार्च में, वो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब एंड गोवा। तो मणिपुर में भी इलेक्शन शेड्यूल्ड है, तो इसीलिए यहाँ पे अभी क्वेश्चन ये है कि वो नए डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन में क्या पर्पस, क्या बेसिस से बनाया गया। तो चीफ मिनिस्टर, स्टेट चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस से किया गया है, हालांकि नागा पॉपुलेशन कह रहे हैं कि नहीं, ये डिवीजन सही नहीं है, नागा पॉपुलेशन इससे एडवर्सली अफेक्ट होता है, तो इसको मॉडिफाई करना चाहिए। पर स्टेट गवर्नमेंट एडमेंट है, उन्होंने कहा है डिस्ट्रिक्ट जो डिविजन हुए, बाइफिकेशन, वो चेंज नहीं होंगे। तो ये सारा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट्स वी आल्सो डिसाइड कि डिलिमिटेशन कैसे होगा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज कौन सी बनेगी, इलेक्शंस में कैसे होगा, तो वह सारा पर्सपेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए काफी पॉलिटिकल एंगल होता है इस पे। तो अब स्टेटस ये है कि इकोनॉमिक ब्लॉकेट जो 1 नवंबर से चल रहा था वो अब तक जारी है, तो ये 70 डेज हो चुके हैं। तो यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इन्होंने इसके ऊपर एक मीटिंग भी थी जिसपे उन्होंने सिक्योरिटी सिचुएशन कैसी है मणिपुर में वो डिस्कस किया है। तो तभी हमने ये भी देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था क्योंकि मणिपुर सिचुएशन टेंस है, इसीलिए हम पे इलेक्शंस फिलहाल नहीं होने चाहिए, डिले करने चाहिए। तो स्टेट गवर्नमेंट एकदम एडमेंट थी, उन्होंने कहा नहीं, डिले नहीं होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ने भी पोल डेट्स शेड्यूल कर दी है, तो इलेक्शंस हो रहे हैं मणिपुर में। तो वही है, और ये जो NSCN IM है उनका ये फैक्शन है, यूनाइटेड नागा काउंसिल, और NSCN IM के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट टॉक्स कर रही है, तो डिस्कशंस हो रहे हैं कि कैसे एक रास्ता बाहर निकाला जाए। तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट भी प्रेशर डाल रही है सेंटर पे कि जब आप निगोसिएशंस कर ही रहे हो तो ये इशू का भी रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो ये सारे यहाँ पे सिनारियो है। फिर अगला न्यूज आइटम है स्टे ऑन हियरिंग पब्लिक अपील टिल पोल्स। तो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस 5 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में शेड्यूल कर दिया है, तो जैसे इलेक्शन शेड्यूल होते हैं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इफेक्टिव हो जाता है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑलरेडी जैन में अभी इफेक्टिव हो गया है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इफेक्टिव होने के बाद काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा है कि कोई नए स्कीम्स प्रोग्राम्स नहीं लॉन्च होने चाहिए, इवन बजट जो प्रीपोन हो रहा है उस पर भी इशू हुआ था कि बजट जल्दी प्रीपोन नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें भी नए स्कीम्स प्रोग्राम्स आते हैं। तो इवन गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट जो होती है उस पर रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे भी होता है कि जो गवर्नमेंट इन पावर है उनको अनड्यू एडवांटेज हो जाता है, तो वो एकदम इलेक्शंस के टाइम में नए प्रोग्राम स्कीम्स कुछ लॉन्च करती है तो वोटर्स अनड्यूली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उससे,
और वो उनके लिए वोट करेंगे, तो अनबायस्ड वोटिंग नहीं हो पाती इस वजह से। तो इसीलिए ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लाया जाता है। इवन और भी उसमें प्रोविजंस होते हैं, जैसे हेट स्पीच नहीं देना चाहिए सारे कैंडिडेट्स के लिए। तो इट्स नॉट जस्ट फॉर रूलिंग पार्टी, फॉर फॉर ऑल कैंडिडेट्स टू प्रोविजंस है जो एप्लीकेबल होते हैं। तो अभी इलेक्शन कमीशन ने इस ये ऑर्डर दिया है कि चीफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स और पॉलिटिकल अपॉइंटीज, जो ये 5 स्टेट्स जहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं, वहां पे वो कोई भी अपील नहीं सुनेंगे जो लोगों ने फाइल की है बिफोर स्टैट्यूटरी बॉडीज। तो स्टैट्यूटरी बॉडीज है बॉडीज बाय मेड ऑफ लॉ, तो लॉ से बनती है जो बॉडीज, मतलब कोई लॉ के अंदर कोई बॉडी बनी है तो उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। तो ये कौन सी बॉडीज होती है जहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स अपील सुनते हैं? तो ये होते हैं ट्रिब्यूनल्स, एक मेजरली एक एग्जाम्पल है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो होते हैं, क्योंकि अपील्स यहीं पे आती है तो सुनवाई होती है, हियरिंग्स होती है। तो ये पॉलिटिकल मेंबर्स ही होते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये मिनिस्ट्री के अंदर स्टैट्यूटरी बॉडीज होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रिब्यूनल होती है, या पावर सप्लाई, काफी सारे अलग अलग, वाटर सप्लाई पे ट्रिब्यूनल होती है। तो ये ट्रिब्यूनल्स मिनिस्ट्री के अंदर ही होती है, और यहाँ पे वही मिनिस्टर्स ही होते हैं, मेंबर्स ऑफ इन अ मिनिस्ट्री। पॉलिटिकल हेड इज अ मिनिस्टर, देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट वगैरह उनके नीचे भी हो सकते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर्स वगैरह। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है एक मिनिस्ट्री का, वो होता है सेक्रेटरी। तो सिलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये मिनिस्टर्स जो है मिनिस्ट्री के, वो इस स्टैट्यूटरी बॉडीज में केसेस ना सुने, फाइल किए हुए पीपल की अपील्स ना सुने, ये हियरिंग्स एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स करें, मतलब सेक्रेटरी लेवल पे जो पोस्ट है वो कर सकते, वो लोग कर सकते, मिनिस्टर्स ना करें, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अभी इफेक्टिव है इसीलिए। तो ये भी डिसीजंस ऑफ वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, आप अगर ये केसेस सुनोगे, आप अपील्स यहाँ पे सुनोगे और अपना फैसला सुनाओगे। तो इसीलिए ये भी एक कहा ऑर्डर दिया गया है कि ये ना हो। फिर अगला न्यूज आइटम है गेटिंग टू नो टैबी स्टार। तो ये टैबी स्टार जो है, ये सिग्नस कॉन्स्टिलेशन में एक स्टार है। तो यहाँ पे इसका दो अलग नाम और भी है, ये इसको बोयाजियन स्टार्स भी कहते हैं और WTF, वेयर्स द फ्लक्स स्टार कहते हैं। तो ये स्टार को ऑब्जर्व किया गया है जो केपलर स्पेसक्राफ्ट है, और केपलर ऑब्जर्वेटरी, तो उससे भी इसके काफी सारे डिटेल्स सामने आए हैं। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि इसकी जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी का ही ये यूनिट है, फ्लक्स जो है ये यूनिट ऑफ, मतलब जैसे हम लेंथ के लिए सेंटीमीटर मीटर यूज करते हैं, वैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी के लिए यूनिट जो है वो फ्लक्स में होता है। तो ये फ्लक्स जब हम यूनिट देख रहे हैं, वैल्यू देख रहे हैं, तो काफी डिविएशन से, मतलब ड्रास्टिक ड्रॉप हो जाता है। तो ड्रास्टिक ड्रॉप ऑफ बाय मोर देन 20%, इतना ड्रास्टिक ड्रॉप भी कभी कभी होता है, कभी डिम होता है, कभी जो ज्यादा डिम हो जाता है। तो ये क्यों होता है, ये क्वेश्चन है। तो एक रीजन ये भी होता है कि जब अर्थ और ये स्टार के बीच में जब कोई ना प्लैनेट मूवमेंट हो रहा है, कुछ पास थ्रू हो रहा है, तो उस वजह से डिप होता है। पर ये फ्रीक्वेंसी जो है, एट व्हाट फ्रीक्वेंसी इट इज, एंड द लिमिट ऑफ द ना इंटेंसिटी जिससे ये ड्रॉप हो रहा है, तो वो इससे क्वेश्चंस रेज होते हैं कि ये सिर्फ कोई प्लैनेट मूव हो रहा है उससे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो इसके रीजंस क्या है? तो ये रीजंस अंडरस्टैंड करने के लिए फिलहाल एक थ्योरी प्रपोज की गई है, दैट इज थ्योरी ऑफ फेज ट्रांजिशन इन मैग्नेटिज्म। तो जैसे मैग्नेटिज्म में फेज ट्रांजिशन में चेंजेस होते हैं, वैसे यहाँ पे भी देखा जा रहा है कि फ्लक्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी में भी या स्टार में चेंजेस हो रहे हैं। तो एक नई थ्योरी, इंटरेस्टिंग कंपैरिजन लाया गया है बिटवीन मैग्नेटिज्म और यहाँ पे भी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्टार का भी होता है, तो उसमें फ्लक्चुएशंस हो रहा है जिसकी वजह से ये हो सकता है, ये एक प्रपोज किया गया। तो इस पे और रिसर्च की जाएगी। तो ये है टैबी स्टार के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जैसे थोड़ी थोड़ी ड्रॉप होती है, कभी ड्रास्टिक ड्रॉप हो जाता है। तो ये दिया गया है। प्लस ये जो फेज ट्रांजिशन मैग्नेटिज्म में होता है, जैसे एक पैरा मैग्नेट है, क्रिस्टल्स है या गैस है, तो जब इसका फेज ट्रांजिशन होता है, व्हेन इट बिकम्स अ फेरोमैग्नेट, तो उसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दी जाती है तब, तो वो सब अलाइन हो जाती है। तो ये जो फेज ट्रांजिशन होता है, जब जो चेंज होता है तब जो वैल्यू हो जाती है, वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी ड्रॉप होती है। तो इससे कंपेयर किया जा रहा है कि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की वजह से, स्टार की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये चेंजेस हो रहे हैं। तो ये है। फिर अगला न्यूज आइटम है द मून इज 4.51 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो मून की एज को और पीछे धकेला गया है, क्योंकि जो नए एविडेंसेस सामने आ रहे हैं उससे ये पता चलता है कि मून और ओल्ड है, जितना सोचा था उससे भी 40 to 140 मिलियन ईयर्स ओल्डर है।
तो ये कहाँ से पता चला है? ये मिनरल्स से पता चला है। तो ये मिनरल्स का एनालिसिस हुआ है, ये मिनरल्स मून से लाए गए थे, तो इनको जरकॉन्स कहते हैं। तो ये जरकॉन्स जो है, ये अपोलो 14 मिशन जो गया था मून पे 1971 में फ्रॉम यूएस, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन, तो इन्होंने वहां से जो मिनरल्स कलेक्ट करके लाए थे उनके ऊपर एनालिसिस हुआ, और इससे ये पता चला है प्रेजेंटली कि मून इज मच ओल्डर। हमको ये भी पता होना चाहिए कि मून कैसे फॉर्म हुआ था। तो मून फॉर्मेशन जो था, जब अर्थ ऑल्सो वॉज न्यूली फॉर्म, तो जब ये अर्थ को एक मार्स साइज प्लैनेट ने टकराया तो उसको थिया नाम दिया गया। तो थिया स्ट्रक विद अर्थ, तो जब ये स्ट्राइक हुआ तो ह्यूज अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट की वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट हुई, जिससे काफी सारा डेब्री उड़ा, मतलब इसके पार्ट सारे उड़े दोनों से, और ये डेब्री फिर ऑर्बिट में आ गए और धीरे धीरे कोलिज होके, कंबाइन होके, ज्वाइन होके, क्योंकि ग्रेविटी होता है, जब डेब्री होती है और इनफ डेब्री कलेक्ट होती है तो ग्रेविटी जो मेजर मास होता है उस पर ग्रेविटेशनल इफेक्ट होता है, तो वो अपने आप अपनी तरफ वो पुल करते हैं सब डेब्री, तो सब डेब्री कलेक्ट होके कोलिज होके एंड शेप हो जाती है उनकी, और वो शेप जो था वो मून बना है, एंड मून इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। तो ये एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है। तो ये तो थ्योरी रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ मून है। तो ये इसको अभी और डेट पीछे डेट बैक किया गया है कि ये और पहले हुआ था। तो जो प्लैनेट्स का भी जो राउंड शेप होता है या स्फेरिकल शेप होता है, वो क्यों होता है, वो भी एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है, क्योंकि आप देखोगे कि एस्टेरॉइड्स भी होते हैं, तो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट है, तो ये एस्टेरॉइड बेल्ट में जो एस्टेरॉइड्स है काफी सारे अनइवन शेप्ड भी होते हैं, और कोई एस्टेरॉइड्स काफी इवनली शेप्ड भी है, दे आल्सो कॉल्ड सम ऑफ देम आल्सो ड्वार्फ प्लैनेट्स। तो ये एस्टेरॉइड्स भी जो है, तो कोई एस्टेरॉइड्स अनइवन है, कोई स्फेरिकल है, तो ये क्यों होता है, क्योंकि अगर इनफ ग्रेविटेशनल पुल होगा तो वो सारा जो जो भी मटेरियल है वो सारा ग्रेविटेशनल पुल जो एक ऑब्जेक्ट के सेंटर पे है, जैसे अर्थ का ग्रेविटेशनल इफेक्ट जो है वो भी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ है, तो वो पूरा अपनी तरफ वो पुल करते हैं, तो जब सब तरफ से वो पुल होता है तो उसको ये स्फेरिकल शेप मिल जाता है। तो इफ ग्रेविटेशनल पुल इज स्ट्रॉन्ग इनफ, एंड ग्रेविटेशनल पुल डिपेंड्स ऑन द मास, तो जब मास ज्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होगा, तो इसी वजह से थोड़े जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हैवी इन द स्काई, हैवी सेलेस्टियल बॉडीज, वो स्फेरिकल होते हैं, और जो इतने हैवी नहीं होते वो जनरली एस्टेरॉइड्स ही, ये अनइवनली शेप्ड होते हैं। तो ये रिगार्डिंग प्लैनेट्स होता है ये। फिर अगला न्यूज आइटम है 100 ईयर्स ऑफ द बॉन्ड। तो ये केमिकल बॉन्ड के बारे में, 100 ईयर्स पहले केमिकल बॉन्ड डिस्कवर किया गया था। केमिकल बॉन्ड काफी सिग्निफिकेंट है बिकॉज ये मॉलिक्यूल का हॉरोस्कोप कहा जाता है, मतलब एक मॉलिक्यूल जो है वेरियस एटम से बनता है, तो एटम्स कैसे कंबाइन हो रहे तो केमिकल बॉन्ड से डिटरमिन होता है। तो इवन वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल आर डिटरमिंड बाय द केमिकल बॉन्ड, कि कैसा बॉन्ड है, तो जो कलर है उनका, रिएक्टिविटी कैसी है, सल्युबिलिटी कैसी है, ऑल डिपेंड्स ऑन द केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी उससे आती है, प्लस इवन स्पेसिफिक सेमीकंडक्टर्स जैसे है, सेरामिक्स है, मेटल्स है, तो इनकी काफी सारी प्रॉपर्टीज केमिकल बॉन्डिंग की वजह से ही है, जिसकी वजह से वो सिग्निफिकेंट है। तो ये केमिकल बॉन्ड के बारे में है, तो द सिग्निफिकेंस ऑफ इट, एंड इट हैज कवर्ड 100 ईयर्स। फिर अगला न्यूज आइटम है मार्केट रेगुलेटर टाइटन्स मर्जर नॉर्म्स। तो ये सेबी के बारे में, सिक्योरिटी इज एन एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो सेबी की रिसेंटली मीटिंग हुई थी जयपुर में, जिसमें उन्होंने नए नॉर्म्स लाए हैं, तो रिगार्डिंग मर्जर नॉर्म्स, तो मर्जर ऑफ अनलिस्टेड एंड लिस्टेड कंपनी। तो जो लिस्टेड कंपनी है मतलब स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, और जो अनलिस्टेड है, तो अगर एक अनलिस्टेड और लिस्टेड कंपनी मर्ज हो रही है तो थोड़े रेगुलेशंस लाए गए हैं, क्योंकि सेबी को ये फियर है कि ऐसा ना हो कि एक छोटी सी लिस्टेड कंपनी है जिसमें एक बहुत बड़ी अनलिस्टेड कंपनी मर्ज हो जाए, और जिस वजह से जो टोटल एंटिटी है वो लिस्टेड कैटेगरी में आए, मतलब वो अनड्यू एडवांटेज उनको ना मिले। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि अगर एक अनलिस्टेड कंपनी लिस्टेड कंपनी के साथ मर्ज होती है तो भी पब्लिक शेयर होल्डर्स, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स, पब्लिक शेयर होल्डर्स किसके होते हैं, जो लिस्टेड कंपनी होगी, तो एटलीस्ट पब्लिक शेयर होल्डर्स 25% होने चाहिए, इससे कम नहीं हो सकते एटलीस्ट। तो ये एक प्रोविजन लाया गया है मर्जर्स के अकॉर्डिंगली फॉर अनलिस्टेड एंड लिस्टेड कंपनी। तो ऐसे काफी सारे प्रोविजन लाए गए हैं। तो यहाँ पे पूरा डिटेल इन अ नटशेल दिया गया है, आप देख सकते हैं। जैसे फॉर अनलिस्टेड लिस्टेड मर्जर्स शुड हैव एटलीस्ट 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग। दूसरा प्रोविजन कहा गया है कि
इट मस्ट बी लिस्टेड ऑन अ नेशन वाइड स्टॉक एक्सचेंज, मतलब जैसे एनएससी है या बीएससी है, ऐसे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होने चाहिए, वो एक प्रोविजन है। फिर तीसरा है सेबी प्राइसिंग फॉर्मूला, उसको भी अप्लाई करेगा मर्ज्ड एंटिटी को। कंपलसरी ई वोटिंग होना चाहिए, मतलब जो पब्लिक शेयर होल्डर्स है वो तो डाइवर्सिफाइड ऑल ओवर द कंट्री होते हैं, तो उनके लिए ई वोटिंग मतलब ऑनलाइन वोटिंग ऐसे प्रोविजन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। तो ई वोटिंग से क्या होगा कि जो कब होगा, जबकि पब्लिक शेयर होल्डर्स 5% से ज्यादा रिड्यूस होते हैं, तो 5% या ज्यादा रिड्यूस होते हैं, तो बिकॉज ऑफ द मर्जर डील। तो अगर पब्लिक, क्योंकि अनलिस्टेड एंटिटी काफी बड़ी होगी, तो जब दोनों मर्ज हो गए तो पब्लिक शेयर होल्डर्स क्योंकि लिस्टेड कंपनी में ही, तो कम हो जाएगी। तो अगर ज्यादा कम हो रहे हैं तो कंपलसरी ई वोटिंग होना चाहिए पब्लिक शेयर होल्डर्स के लिए, ये प्रोविजन लाया गया है। तो ऐसे सारे प्रोविजंस इसमें लाए गए हैं। दूसरा है रिगार्डिंग बूस्ट टू म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे। तो उनको अभी अलाउ किया गया है कि वो आरईआईटीएस और इनविट्स इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आरईआईटीएस और इनविट्स क्या होते हैं, ये है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और ये है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो जो ये हाइब्रिड एंटिटीज होती है, मतलब कि ये रियल एस्टेट के लिए भी है और एक ट्रस्ट भी है, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, तो ये रियल एस्टेट में यूज होगा और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो यहाँ पे जब म्यूचुअल फंड्स इसमें भी इन्वेस्ट कर पाएंगे तो वो एडेड एडवांटेज इनको भी मिलेगा, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, और म्यूचुअल फंड्स को भी डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। तो ये एक और प्रोविजन लाया गया है। दूसरा है कि सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स म्यूचुअल फंड्स के सिर्फ इंडस्ट्री लेवल पे हो सकते हैं, इन जनरल फॉर म्यूचुअल फंड्स। एक यू नो एक एक पर्टिकुलर फंड हाउस के लिए, एक पर्टिकुलर स्कीम के लिए एंडोर्समेंट नहीं हो सकते, ऐसा सेबी ने कहा है। और डिस्क्लोजर्स भी जो होने चाहिए एडवर्टाइजमेंट्स में, उनके भी उन्होंने प्रोविजन लाए हैं। फिर दूसरा है रिगार्डिंग फीस पेड बाय ब्रोकर्स। सो ब्रोकर्स को जो फीस पे करनी पड़ती है, तो जितना टर्नओवर है उसका एक परसेंटेज होता है। तो ये 15 रुपीज है पर 1 करोड़ टर्नओवर के लिए, अभी पहले ये 20 रुपीज था, तो ये भी रिड्यूस किया गया ताकि ये भी अट्रैक्टिव हो फॉर द ब्रोकर्स, स्टॉक एक्सचेंज के लिए बेनिफिशियल होगा। और लास्ट में रिगार्डिंग द म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। सो जो म्यूनिसिपालिटीज बॉन्ड्स लेके आते हैं, इनको म्यूनिसिपल बॉन्ड्स म्यूनिस जो कहते हैं, तो ये म्यूनिसिपल बॉन्ड्स वही ला सकेंगे, वही म्यूनिसिपालिटीज ला सकेंगे जिनके पास इनकम सरप्लस है ओवर एक्सपेंडिचर। तो अगर इनकम सरप्लस एक्सपेंडिचर पे, तो ही म्यूनिसिपालिटीज बॉन्ड्स इश्यू कर पाएंगे। पहले कैसे था कि अगर म्यूनिसिपालिटीज के पास पॉजिटिव नेटवर्थ है इन 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, तो वो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स ला सकते थे। तो इधर क्राइटेरिया मॉडिफाई किया गया। तो यही है सारे मेजर प्रोविजंस रिगार्डिंग सेबी। तो रेगुलेटरी बॉडी भी है स्टॉक एक्सचेंज के लिए। तो ये 1988 में एस्टैब्लिश की गई थी थ्रू एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, मतलब गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया, उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस जब लॉ पास हुआ तब मिला। तो सेबी एक्ट 1992 में पास हुआ, तो तब ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई। तो अब फिलहाल ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी भी इज अंडरस्टैंडेबल। सो इट इज फॉर ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट एंड सिक्योर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। सो सिक्योरिटीज मार्केट है, क्योंकि सिक्योरिटीज मार्केट भी क्यों होती है, फॉर इन्वेस्टमेंट। कंपनीज को इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो मनी चाहिए, फंडिंग चाहिए फॉर टू ग्रो। तो ये फंडिंग कहाँ से आएगा, जब वो अपने शेयर्स बेचेंगे तो लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो उनको पैसा मिलेगा और लोगों को प्रॉफिट शेयर मिलेगा। तो ये पूरा एक अरेंजमेंट होता है। तो जब इन्वेस्टर्स इंडिविजुअली इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वो होता है। तो आपको खुद को समझना चाहिए कौन सी कंपनी प्रॉफिटेबल होगी आगे, उनका प्रिडिक्शन, ये सब समझ के आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना है। और दूसरा होता है म्यूचुअल फंड्स। तो आप अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करोगे तो उसमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट्स, वो डिसाइड करते हैं कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो वो आपको एक एडवांटेज मिलता है कि वो आपके लिए डिसाइड करते हैं और आप कभी भी उसको एग्जिट कर सकते हो। तो वो म्यूचुअल फंड्स का बेनिफिट होता है। फिर ये है रिगार्डिंग द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। तो ये इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट प्रमोट करने के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है। और फिलहाल ये न्यूज था कि इसमें म्यूचुअल फंड्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये रिगार्डिंग दैट है। फिर अगला है ये उसके ये मतलब कैसे रियल एस्टेट कैसे मैनेज होगा, एक मैनेजर होगा उसके लिए, यूनिट होल्डर्स जो हो गए, जो इंडिविजुअल होल्डर्स, वो इधर इन्वेस्ट कर सकते हैं इससे और रिटर्न भी ले सकते हैं यहाँ से। तो प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ पे इससे प्रॉपर्टीज रियल एस्टेट बनेगी, तो वो अलग है। फिर
ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड्स के ट्रस्ट के बारे में भी है, तो ये भी म्यूचुअल फंड लाइक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट आता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स भी, जैसे हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं जो डिसाइड करेगा कि किस में इन्वेस्ट हो, तो वही है। और आप कभी भी एंटर या एग्जिट कर सकते हैं स्कीम्स। जनरली ऐसे होता है, कोई कोई प्रोविजंस में आपको थोड़ा अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ऐसे आपको रहना होता है वो स्कीम में, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ स्कीम इट इज। फिर अगला न्यूज आइटम है, इट्स टाइम टू से इराशाइमेस मतलब वेलकम इन टू जापान। तो ये इंडिया जापान रिलेशंस के बारे में है। तो इंडिया जापान रिलेशंस अगर हम देखें तो जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू जापान में हिरोशिमा नागासाकी न्यूक्लियर बॉम्ब्स की वजह से पूरा वर्ल्ड वॉर टू एंड हुआ, और उसके बाद यूएस जनरल के अंडर ही जापान का नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, एंड यूएसए एंड जापान आर एलीज, तो वो उनका पैक्ट है। तो ये इसके बाद इंडिया का जब पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू जो सिनारियो था, वर्ल्ड सिनारियो, उसमें इंडिया ने जो स्टैंड लिया था वो था नॉन अलाइनमेंट, कि ना हम सोवियत यूनियन से अलाइन करेंगे ना यूएस से। तो जापान वाज क्लोज एली ऑफ यूएस, यूएस का क्लोज पार्टनर था। तो अब इस सिचुएशन में इंडिया का नॉन नाम, इंडिया वाज अ मेंबर ऑफ नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट, तो वो जापान से क्लोजनेस इतना नहीं आ पाया। पर उसके बाद में जैसे उस टाइम पे भी जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू सिनारियो था, डेवलपिंग कंट्रीज काफी सारे डेवलप हो रही थी, तब जापान ने भी काफी सारा डेवलपमेंट असिस्टेंस इंडिया को भी दिया है। तो जापान का ये ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस ओडीए प्रोग्राम होता है, तो इसमें काफी सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया को भी मिलता है और मिल रहा है। पर इसके अलावा बाद में 1984 में मारुति उद्योग और सुजुकी मोटर्स का ज्वाइंट वेंचर हुआ, मारुति सुजुकी जो कार आई इंडिया में, उस वजह से ये इंडिया जापान रिलेशंस काफी क्लोज हो गए। लेकिन फिर 1998 में जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो अगेन इंडिया जापान रिलेशंस वेंट फॉर अ टॉस। द रीजन हियर वाज क्योंकि जापान न्यूक्लियर टेस्ट के लिए काफी सेंसिटिव है, बिकॉज इट्स द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए हैं। तो इसीलिए न्यूक्लियर टेस्ट जब इंडिया ने किया तो जापान के रिलेशंस, वहां पे जापान ने भी इनके ऊपर सैंक्शंस, इंडिया के ऊपर सैंक्शंस डाले थे। बाद उसके बाद फिर जब लुक ईस्ट पॉलिसी आई, तो लुक ईस्ट पॉलिसी तो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने इनिशिएट की थी, पर उसके बाद वाजपेयी गवर्नमेंट, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने जब इनिशिएटिव्स यहाँ पे लिए तो अगेन इंडिया जापान रिलेशंस क्लोज आए हैं। तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में अगर देखा जाए तो इंडिया जापान ट्रेड इज नेजिलिजिबल कम्पेयर टू चाइना। तो इंडिया चाइना ट्रेड भी काफी हाई है, इवन इंडिया जापान चाइना ट्रेड भी काफी हाई है, इट इज 5 times, इवन इन्वेस्टमेंट ट्रेड दोनों बहुत ज्यादा है, 5 times जो इंडिया में करते जापान वो उतना वो चाइना में करते। तो इट्स दैट एक्सटेंट के वो इंडिया जापान रिलेशंस आर नॉट एज डिजायर्ड। तो यहाँ पे काफी सारा स्कोप है कि रिलेशंस इंप्रूव किया जा सके, ट्रेड इंक्रीज किया जा सके, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनाया जा सके, क्योंकि काफी जापानीज कंपनीज ऑलरेडी इंडिया में है, काफी इनिशिएटिव्स भी लिए गए। अभी भी जो ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस है जापान का, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इंडिया ही है। तो इंडिया जापान रिलेशंस क्लोज तो है ही, पर इसके अलावा ट्रेड इन्वेस्टमेंट में भी हमको क्लोज इंक्रीज चाहिए, तो इसीलिए भी हम इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। जो प्रोग्राम्स है जापान के, जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इवन जो ये चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, तो यहाँ पे चेन्नई मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, यहाँ पे भी जापानीज ज्वाइंट वेंचर है, यहाँ पे जापानीज इन्वेस्टमेंट आ रहा है। पर हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट्स अभी तक टेक ऑफ नहीं कर पा रहे, तो मेजर हिंड्रेंस ऑफ कोर्स लैंड एक्विजिशन होता है। तो यहाँ पे ये जो इनिशिएटिव दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 2007 में लॉन्च किया गया था, तो इट्स ऑलमोस्ट अ डेकेड, पर अभी तक भी मेजर वर्क नहीं कंप्लीट हुआ है। तो इसीलिए ये स्लो पेस ऑफ प्रोजेक्ट जो है, इस वजह से भी जापानीज इन्वेस्टर्स नहीं खुश है और वो इतना अट्रैक्टिव नहीं मानते इंडिया को। तो टू मेक इंडिया अट्रैक्टिव फॉर जापानीज इन्वेस्टर्स इज अ चैलेंज। तो यहाँ पे हमको काफी सारे इनिशिएटिव्स लेने हैं, जैसे इन्वेस्टर फ्रेंडली, रेड टेपिज्म हटाना, लैंड एक्विजिशन फैसिलिटेट करना। तो ये सारे इनिशिएटिव्स से दो जो इन्वेस्टर्स है वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए, जैसे रेड टेपिज्म, एडहॉक नेचर ऑफ स्टेट लेवल इंटरवेंशन, तो स्टेट लेवल इंटरवेंशन भी स्टेबिलाईज नहीं होते, टैक्सेशन नॉर्म्स भी काफी टाइम स्टेबिलाईज नहीं होते, कभी टैक्सेशन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी लगाया जाता, तो इससे इन्वेस्टर्स दूर हो जाते हैं।
तो ये सब है। जापानीज कंपनीज फेस लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस, इवन नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। सो पावर सप्लाई भी उनको इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए, तो वो भी जब अश्योर्ड नहीं होता तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ऑपरेट। तो ये सारे उनको डिफिकल्टीज आती है, डिलेज इन कमेंसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स जो है, तो ये सारे चैलेंजेस को ओवरकम करना है। तो काफी सारे इनिशिएटिव्स ले गए हैं, जैसे कि जापान प्लस कमेटी बनाई गई है, तो इसमें टॉप ब्यूरोक्रेट्स इंडियन गवर्नमेंट के भी और जापानीज ऑफिशियल्स भी है। तो जो भी दिक्कतें आएगी कोई भी प्रोजेक्ट में तो इमीडिएटली यहाँ पे वो रिजोल्व हो पाए, एनीथिंग रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट्स, एनी चैलेंज फॉर एनी जापानीज कंपनी जिसने यहाँ इन्वेस्ट कर लिया है, तो उनके प्रॉब्लम्स रिजोल्व करने के लिए जापान प्लस कमेटी बनाई गई है। फिर जापान इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स भी बन रहे हैं, तो 12 इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स बन रहे हैं जीआईटीज। उनको भी काफी सारी प्रॉब्लम आ रही है कि उनको एक्सेस टू पोर्ट डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल टाउनशिप जनरली पोर्ट के पास होती है, तो यहाँ पे जो रोड कनेक्टिविटी है वही लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिकल्टीज आ रही है, पावर सप्लाई डिफिकल्टीज आ रही है। तो ये बेंचमार्किंग उनको चाहिए कि बेंचमार्किंग भी ग्लोबल स्टैंडर्ड का हो, जो यहाँ पे डिफिकल्ट है लग रहा है अचीव करना। तो ये सारे प्रॉब्लम्स वो चाहते हैं कि रिजॉल्व हो, ताकि इंडिया जापान रिलेशंस भी, इकोनॉमिक रिलेशंस भी स्ट्रेंथन हो सके। तो ये दूसरा था टोक्यो डिक्लेरेशन। तो टोक्यो डिक्लेरेशन ऑफ 2014 भी उनका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे यही था कि जापान का एफडीआई इंडिया में डबल हो, नंबर ऑफ जापानीज कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया डबल हो, इवन इन्वेस्टमेंट डबल हो। तो ये 5 साल के टाइम फ्रेम में टारगेट्स अचीव करने का प्लान था 2014 में, ये टोक्यो डिक्लेरेशन के अंदर। तो ये सारे अचीव करना भी फिलहाल भी मुश्किल लग रहा है, पर वी हैव टू मूव अहेड इन द राइट डायरेक्शन टू एंश्योर दैट जापानीज इंडिया ट्रेड रिलेशंस, इकोनॉमिक रिलेशंस बिकम स्ट्रांग। तो इसके बारे में ये पूरा था। यहाँ पे भी दिखाया गया है कि ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स बाय जापान, आप देखोगे तो चाइना में काफी इंक्रीज हुआ है, पर जो इंडिया में रहा है इंक्रीज अभी डिक्लाइन पे है। तो ये है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट्स बाय जापान, ट्रेड विथ इंडिया। सो ट्रेड ऑफ विथ इंडिया जो है जापान का, चाइना का और साउथ कोरिया का आप देख सकते हैं। चाइना का ट्रेड इंडिया के साथ बहुत ज्यादा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। साउथ कोरिया का और जापान का जो ग्रोथ है, ट्रेड ग्रोथ, वो काफी लो ही रहा है। तो काफी यहाँ पे प्रोविजन है, यहाँ पे स्कोप है इम्प्रूव करने के लिए। फिर अगला न्यूज आइटम है इंडिया सुपरबग रेजिस्टेंट टू अवेलेबल एंटीबायोटिक्स। तो ये है रिगार्डिंग सुपरबग रेजिस्टेंस। तो सुपरबग रेजिस्टेंस कब आता है, जब ये एक एंजाइम है, इसको NDM1 नाम दिया गया है। तो ये एंजाइम थोड़े बैक्टीरिया में पाया जाता है, तो जब ये कोई बैक्टीरिया में पाया जाता है तो वहां पे एंटीबायोटिक्स वर्क नहीं करती। तो ये न्यू दिल्ली मेटलोबीटा लैक्टेमेज, ये NDM1 करके एंजाइम है। तो ये एंजाइम डायरेक्टली ब्रेक्स डाउन कार्बापेनम्स, तो ये एंटीबायोटिक्स है, तो ये ब्रेक डाउन कर देती है एंटीबायोटिक्स को। तो ये ड्रग फिर वो एंटीबायोटिक यूज नहीं कर सकते, कोई डिजीज के अगेंस्ट यूज नहीं हो पाती। तो इट बिकम्स मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन हो जाता है अगर ये एंजाइम प्रेजेंट है। तो ये एंजाइम प्रेजेंट होता है स्पेसिफिकली 2 केसेस में। तो एक तो यही है क्लेब्सिल निमोनिया, तो ये एक क्लेब्सिल निमोनिया जो लंग डिजीज है, और गट में जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, तो इन दोनों में ये पाया जाता है। और अगर ये एंजाइम पाया जाएगा NDM1, तो फिर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होता है, एंटीबायोटिक्स फंक्शन नहीं करती और काफी केसेस में ये फेटल हो जाता है, मीन्स डेथ हो जाती है। तो ये जो है एंजाइम यहाँ पे ये पाया गया है मेजरली, इसको नाम भी दिल्ली से दिया गया है। तो ये न्यू दिल्ली में, पाकिस्तान में, मतलब इंडिया में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में मेजरली पाया गया है, और ये यहाँ से ही स्प्रेड होके इवन यूके में गया है। तो इंडिया अपने आप को मेडिकल टूरिज्म के लिए प्रमोट करना चाहती है, बट क्योंकि इंडिया में इंडिस्क्रिमिनेट यूज होता है एंटीबायोटिक्स का, और ये हॉस्पिटल से ही ये स्प्रेड हुआ है, तो ये एंजाइम जो डेवलप हुआ है, जो ये बैक्टीरिया में ड्रग रेजिस्टेंस आया है, तो इसको स्प्रेड नहीं होना चाहिए। देन इंडिया स्टेटस एज अ मेडिकल टूरिज्म हॉटस्पॉट इज इन डेंजर। तो ये यूके में भी स्प्रेड हो चुका है और अभी यूएसए में भी एक केस आया है, तो उसी के बारे में ये न्यूज था। तो ये NDM1 अभी यूएसए में भी एक पेशेंट में पाया गया जिनकी डेथ हो गई। तो ये है रिगार्डिंग दिस। तो ये तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के बारे में ही है। तो ये सुपरबग रेजिस्टेंट है एंटीबायोटिक्स को। तो ये यहाँ पे यूएस सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भी बताया है, बाय टेस्टिंग दैट ये जो एंजाइम है इट इज रेजिस्टेंट टू 26 डिफरेंट एंटीबायोटिक्स। तो मोर्टालिटी रेट फिर इसमें काफी हाई हो जाता है, मतलब डेथ के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है
लास्ट वन, एपिक एंटार्क्टिक वॉयज मैप सी फ्लोर टू प्रिडिक्ट ओशन राइज। तो अभी एंटार्क्टिका में ये देखा जा रहा है कि जो आइस शेल्फ है वहां पे, इट इज अ बिग आइस शेल्फ द साइज ऑफ कैलिफोर्निया एज सच। वहां पे ये आइस शेल्फ मेल्ट हो रहा है नीचे से, तो इट्स मेल्टिंग फ्रॉम बिलो। तो इसके रीजंस क्या है, क्योंकि ग्लोबल ओशन टेम्परेचर्स राइज हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो टेम्परेचर्स राइज हो गए तो आइस मेल्ट होगा, और ये आइस मेल्ट होगा ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ये एंड ऑफ द ग्लेशियर भी है, तो ये मेल्टिंग की वजह से और सी लेवल इंक्रीज होगा, तो ग्लोबल सी लेवल राइज होगा। तो हम देखते हैं काफी फ्लडिंग केसेस वगैरह जो आते हैं, तो ये अगर होगा तो ग्लोबल सी राइज होगा बाय 3.5 to 6 meters, तो काफी ज्यादा है। तो ये इट्स अ ह्यूज डिजास्टर अवेटिंग। तो इसको अवॉइड करने के लिए, ये ना हो इसके लिए रिसर्च की जा रही है, और एक वॉयज एनवायरमेंटलिस्ट की एक रिसर्च टीम जा रही है अभी टू अंटार्क्टिका टू स्टडी द सी फ्लोर, कि सी फ्लोर की स्टडी की जाए, यहाँ पे क्या आइस जो है वो कैसा है, क्या उनका स्टेटस है, हिस्ट्री क्या है। तो आइस एज के टाइम से ये पूरी हिस्ट्री समझ में आए, तो अगर हमको ये समझ में आएगा तो हम इसका फ्यूचर का मेल्टिंग कब होगा, फ्यूचर मेल्टिंग वो प्रिडिक्ट कर पाएंगे, तो इफेक्टिव मेजर्स लिए जा सके ताकि कोई डिजास्टर ना हो, प्रिवेंट किया जा सके। तो इसीलिए ये सी फ्लोर मैपिंग किया जा रहा है इन एंटार्क्टिका, ईस्ट एंटार्क्टिका। तो यही है, 51 डे मिशन जा रहे हैं ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट एंटार्क्टिका पे, ठीक है, सी फ्लोर मैपिंग होगा। तो ये एंटार्क्टिका होगा, तो यहाँ पे आइस मेल्ट होगा तो ये सारे ओशंस है, सी लेवल राइज होगा, तो ये सबको अफेक्ट करेगा। जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यहाँ इंडियन ओशन है, तो ये द साउथ पोल एंटार्क्टिका है, यहाँ पे मेल्टिंग, आइस शेल्फ मेल्टिंग देखा जा रहा है। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।